हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिक्स एंड मैच। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्राइडल मेकअप करना, वो भी घर पर बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही आप अमेजिंग वीडियो देखते रहें। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई का कैप्सूल अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, साथ में ही यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह कोई भी अच्छा सा प्राइमर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्राइमर लगाना है, उसके बाद टोनर लगाना है, उसके बाद आपको मेकअप की बेस है वो लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी कि बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ आप कितना अच्छा मेकअप है वो घर पे क्रिएट कर सकते हैं खुद से ही। अगर आप बिगनर भी हैं तो अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज़ करेंगे फेस को। और विंटर का सीज़न चल रहा है तो वैसे भी आपको पहले कुछ ना कुछ लगाना ज़रूरी है अपने फेस पर, ताकि मेकअप बहुत ज़्यादा रफ़ रफ़ ना लगे और आपको भी अनकंफर्टेबल ना लगे। नोज़ के पास वाले एरिया पर आप अच्छे तरीके से ज़रूर लगाएं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रेवलॉन का फाउंडेशन। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी हाई कवरेज का अच्छा सा फाउंडेशन है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसकी जगह आप चाहें तो अच्छी सी कोई हाई कवरेज वाली पेनस्टिक है उसको यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आप जो भी फाउंडेशन है या फिर पेन स्टिक है वो परचेज़ कर रहे हैं तो अपनी स्किन टोन से एक शेड लाइटर लें, ना तो आप सेम उसका लें मैच का और ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट लें। एक टोन लाइट लेंगे तो आपके फेस पर अच्छे तरीके से मैच कर जाएगा और बहुत ज़्यादा अजीब भी नहीं लगेगा। और यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। जब आपकी स्किन पहले से मॉइस्चराइज़ होती है तो आपको ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और ये जो मेरा फाउंडेशन है वो थोड़ा क्रीमी फॉर्म में है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है इसको ब्लेंड करने में। टैप टैप करके पूरे फेस पर ब्लेंड कर लेंगे। फेस के साथ साथ आपको ना अपने गर्दन वाला जो एरिया होता है उसको भी ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपका फेस और गर्दन दोनों एक जैसी ही मैच करें, सेम टोन में अलग अलग ना दिखे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन है वो लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी ना मेरी स्किन से एक टोन लाइटर फाउंडेशन है जो मैंने यूज़ किया है। इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का। अंडर 200 रुपीज़ आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर है ना वो मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, जो भी अच्छा हो अच्छी कवरेज का हो रिव्यू देख के आप परचेज़ कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली कोई ब्राउज़ का पाउडर वगैरह नहीं लिया है, मैं कंप्लीट कर रही हूँ इसको आई शेडो पैलेट होती है ना उसके साथ। ये देखिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप अपनी आईब्रोज़ को कैसे फिल कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले ये यूज़ किया वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम करेंगे अपनी फेस की कंटूरिंग। तो बहुत से लोग हैं ना कंटूरिंग करते हैं पहले और कॉम्पैक्ट लगाते हैं बाद में, लेकिन मैंने कॉम्पैक्ट को लगाने के बाद कंटूरिंग की है। इसका भी कोई रूल्स नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे इधर से लगाना चाहिए उधर से लगाना चाहिए, ऐसा कुछ रूल नहीं है। आपका जो ईयर होता है उसका ऊपर वाला जो कॉर्नर है वहाँ से लेके आप अपने लिप्स वाले एरिया तक कंप्लीट कर लें इसको। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आइज़ के मेकअप के लिए यहाँ पे एक लाइट शेड का आई शेडो। इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे लाइट पीच कलर का। तो जब भी आप अपने आई शेडो की बेस बना रहे हैं तो उसको लाइट रखें, उसके बाद ही कोई डार्क आई शेडो उसको अप्लाई करें, ताकि आपकी आइज़ का मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा सा निकल के आए और आपकी आइज़ है ना वो भी थोड़ी बड़ी लगें। तो बस ये लाइट के बाद यूज़ करने के बाद एक शेड मैं इसका डार्क यूज़ कर रही हूँ, इसको यहाँ आइज़ के कॉर्नर पे लगा के और इसको ब्लेंड करती जाऊँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैं एक ही ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। वैसे तो आप ना फिंगर से भी अपना मेकअप बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं आइज़ का, बहुत ही आसानी तरीके से मतलब कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे तीन शेड यूज़ किए हैं। ये जो मैंने सबसे पहले किया था ना एकदम लाइट बेस के लिए, तो आप इसकी जगह चाहें तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रीज़ है उसको क्रिएट कर रही हूँ। तो क्रीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको मिड वाला जो एरिया होता है उस पर मार्क करना होता है, देन इसके बाद आप अपने फाउंडेशन से इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रख रही हूँ हाफ़ कट क्रीज़, तो इसको आधा ही छोड़ दूँगी, पूरा कम्प्लीट नहीं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा अपनी आईज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिखाना चाहती, इसलिए जो क्रीज़ मैंने क्रिएट की है बहुत ऊपर तक नहीं की है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर सिल्वर कलर में, क्योंकि जो मेरा
लहंगा है वो आप देख ही रहे होंगे किस कलर का है, इसलिए मैं यहाँ पे सिल्वर कलर का यूज़ कर रही हूँ और फिंगर से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। अब मैंने ब्राउन कलर का डार्क शेड लिया है और अपनी आईज़ के कॉर्नर में लगा लिया, और यहाँ मैंने ब्लश लगा लिया। तो ब्लशर आप जब भी यूज़ करें हल्का सा अपनी नोज़ पे भी लगा लें ताकि थोड़ा नेचुरल सा लुक आए, अलग से आपकी चीक्स हैं वो रेड रेड ना दिखें। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे नोट का हाइलाइटर, आप कोई भी अच्छा सा हाइलाइटर है वो यूज़ कर लें इसकी जगह। तो ये देखिए नोज़ के साथ साथ अपने आप चिन को भी कर लें हाईलाइट और लिप्स को भी। यहाँ मैं ग्रीन बैंगल्स हैं उसको पहन रही हूँ अपने लहंगे के दुपट्टे के साथ मैच करते हुए, क्योंकि जो दुपट्टा होने वाला है वो हमारा होने वाला है ग्रीन कलर का। यहाँ मैंने लिया है टिप्सी ब्यूटी का डबल शॉट आईलाइनर, और आईलाइनर यूज़ करना भी बहुत आसान है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पीछे से और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद मैंने नीचे की आँखों में भी आधा लगा लिया, और देन इसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे काजल जो होता है उसको, उससे थोड़ा सा अपनी लोअर आईज़ को स्मच, क्योंकि मैं काजल नहीं लगा रही हूँ आईज़ में, काजल लगाऊंगी तो मेरी आईज़ और ज़्यादा छोटी लगेंगी, वैसे भी मेरी आँखें ना काफ़ी छोटी हैं इसलिए। तो बस मैं यहाँ पे जो हमारा पाउडर काजल होता है उससे कंप्लीट कर रही हूँ। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप आई शेडो से भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ कॉर्नर पर भी मैंने ब्लैक कलर लिया है आई शेडो का, और जो मैंने आईलाइनर लगाया था उसको हल्का सा ब्लेंड कर लिया है और थोड़ी सी फिंगर की हेल्प से उसको स्मच कर दिया है ताकि एक अच्छा सा लुक क्रिएट हो सके मेरी आईज़ का। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे आई लेसेस, ये मैंने डाई स्टोर से ख़रीदे थे 99 रुपीज़ के, और यहाँ मैंने पहले लगा लिया है अपने आई लेसेस पर ग्लू। तो ग्लू लगाने के बाद आपको हल्का सा ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, उसके बाद आप सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्वीज़र की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो वो अपने चैनल पर डाला हुआ है और वैसे भी डाला हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या सही मेथड है आई लेसेस को अप्लाई करने का। तो बस ये देखिए यहाँ हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेंगे, बहुत ही आसानी से लग जाता है अगर आप पहले से ग्लू को लगा के थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ये देखिए मेरे आईज़ का मेकअप तो हो गया है कम्प्लीट। अब मैं यहाँ पे ज्वेलरी है उसको वेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था सेट है वो, तो इसका भी कलर बड़ा ही प्यारा था, और अब हम पहन लेंगे इसके बाद इसके इयररिंग्स भी बहुत अच्छे आए थे इसमें, है ना। इयररिंग्स है, टीका है, और टीका है और नेकलेस है, ये तीनों चीज़ें मुझे मिली हैं। इसके बाद हम हेयर स्टाइल बना लेते हैं, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल रखने वाले हैं हम। तो ब्राइडल में जितना ज़्यादा आप सिंपल सोवर हेयर स्टाइल रखते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एक सोबर टाइप में लगती है। तो यहाँ हम थोड़ी सी आगे से फ्लिक्स हैं वो निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फ्लिक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली रबर बैंड के साथ एक जूड़ा है सिंपल बनता है वो बना लेंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर से गजरा लगा लें, या फिर आर्टिफिशियल वाला जो बन होता है उसको लगा के आप गजरा लगा सकते हैं। तो ये स्टाइल भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी मैंने बताया था आपको ग्रीन चूड़ी इसलिए पहनेंगे क्योंकि ग्रीन दुपट्टा है, तो वो दुपट्टे को भी हम ड्रैप कर लेते हैं। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रेड कलर की लिपस्टिक, इस पर भी हम ट्राई करने वाले हैं एक हैग। तो वो हैग देखने के लिए वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। तो लाइट कलर पर डार्क कलर की लिपस्टिक वैसे अच्छी लगती है, लाइट भी अच्छी लगती है, लेकिन मैंने थोड़ा इसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए यूज़ किया है आई शेडो का ब्राउन शेड ताकि ये थोड़ी मैट में लगे। तो कंप्लीट हो गया हमारा लुक। अभी चलिए बिंदी की कमी हम वो भी लगा लेते हैं। सो दिस इज़ माय फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा मैंने लुक है वो क्रिएट किया है, और बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट के साथ। सो आप भी ये वाला लुक है ना एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, सच में बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।